टेक्निकल ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि न्यू यूट्यूबर्स कितना कमा लेते हैं या न्यू यूट्यूबर्स जो होते वो कितना कमाते हैं, या अगर आप सोच रहे अपने न्यू यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो आप कितना कमा लोगे पहले पहले, या मान लेते आपका 100 सब्सक्राइबर हो गया है, अगर पुराना यूट्यूबर हो तो 100 सब्सक्राइबर हो गया है, लगभग 200 से 500 के अंदर 100 हो गया है, 200-500 अभी हो गया है, सो आप कितना कमा लोगे अगर ये हो जाता है या हो गया है तो कितना कमाते हैं। और मैं क्या कमाता हूँ इस वक्त पे 700 ओवर करने के बाद कितना कमा लेता हूँ, कितना अर्निंग होता है, सबके बारे में डिटेल से आज बात करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ दिन प्रूफ। सो बिना टाइम लगाए आप देखिए टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल और आपके साथ मैं हूँ राहुल दास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को, जो ये वीडियो शूट कर रहा है रेडमी नोट 4 की रियर कैमरा से, जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आप कुछ समझ आ जाएगा क्या कैमरा क्वालिटी कैसा है या क्या है वीडियो क्वालिटी। सो सेकेंड जो बात है, आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं 1000 सब्सक्राइब पूरे होने पे मैं गिव अवे करूंगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। सो ठीक है, तो आज के एपिसोड शुरू करते हैं और मैं बता देना चाहूंगा कि न्यू यूट्यूबर्स कितना कमा लेते। सबसे पहले मैं अपना बात कर लेता हूँ, मैं जब यूट्यूब स्टार्टिंग किया था, मतलब आज से 1 साल पहले, कल मैंने बोला था एक्चुअली 1 साल हो गया है, तो 1 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो आप अर्निंग के बारे में भूल जाइए और कितना कमाना है ये तो उसमें भूल जाइए, क्योंकि तब उस टाइम पे कुछ नहीं आएगा। अगर आप कुछ धुआंधार या धमाकेदार कुछ वीडियो बना लेते उसमें 2-3 लाख व्यू आ जाते तो वो अलग बात है, वहां पर थोड़ा बहुत कमाई हो जाता है, पर अगर वैसा कुछ कंटेंट नहीं है, आप मेरे से छोटे मोटे कंटेंट डालते हैं, ये छोटे मोटे चैनल से बिलोंग करते हैं, आप कुछ कॉपी कंटेंट नहीं यूज करते, बड़े बड़े चैनल का वीडियोस कॉपी करके नहीं कंटेंट कॉपी नहीं करते, तो ऐसा अगर यूट्यूबर्स हो तो आप पक्का, मैं जानता हूँ आप लोगों को अर्निंग कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत। तो मैंने जब स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग के वक्त में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा कुछ आ रहा था, आफ्टर 2 मंथ जब मेरा 20-30 सब्सक्राइबर पूरा हुआ था और लगभग 2 से 3 मतलब 2 से 3000 व्यूज आए थे, तो उस वक्त में 0.1, 0.2 अर्न हुआ था। सो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ अर्न नहीं है, और आप जैसे कि जानते हैं अगर आप यूट्यूबर्स हो कि गोल एडसेंस 100 थ्रेशोल्ड तक उसके होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि 100 जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा $100 तब तक आपसे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। सो जब भी आपको 100 हो जाएगा तो खुद एडसेंस आपको डिपॉजिट कर देगा आपके अकाउंट पे, आप अगर अकाउंट सेट करके रखते हो विदिन 1 मंथ। सो मैं बता देना चाहूंगा कि मेरा अभी तक 100 नहीं पूरा नहीं हुआ, मैं बता देना चाहूंगा विदिन प्रूफ मेरा सिर्फ अभी इतना कमाई है कि मैं स्मार्टफोन भी नहीं खरीद सकता हूँ, एक छोटे मोटे फोन खरीद सकते हो, तो आप समझ सकते हो कितना प्राइस होता है, 1000 समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। तो इतना मैं कमाई लेता हूँ और अभी तक 100 नहीं कम्प्लीट हुआ है, और मैंने अभी तक मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं मिला है मुझे, फर्स्ट पेमेंट मिलने के बाद वो एक अलग खुशी है। तो ये था पहली बात, तो न्यू यूट्यूबर्स ज्यादा कुछ अर्न नहीं करते, आप ऐसा मत सोचिए कि यूट्यूबर्स बन जाओ और बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, बहुत कुछ कमाल का कर लूंगा, कुछ ऐसा कर लूंगा, इतने सारे पैसे मिलेंगे मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा और बहुत दिन, मतलब कुछ लोगों का थोड़ी दिन में बन जाता है, पर मेरे से यूट्यूबर्स मैं जैसा हूँ मैं ज्यादा एफर्ट भी नहीं देता अपने वीडियो में, पर मुझे अच्छा लगता है ये वीडियोस बनाते, जब भी मैं बनाता हूँ एक ही आदमी से आप बना रहा हूँ, माफी चाहूंगा बहुत ज्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पर। अब अगर मुझे पूछ सकते हैं अब सेकंड पॉइंट के बारे में आते कि सर आप या भाई आप कितना कमाते हो जब आपका ये सब्सक्राइबर थे, कि मान लेते जूम करके चलते कि आपका 100 कंप्लीट हो चुका है, तो 100 कंप्लीट होने पे आप उस वक्त में कितना था आपका अर्निंग, उस वक्त में आपका स्टेटस क्या था। देखिए उस वक्त में स्टेटस कुछ नहीं था, मेरे पास 100 सब्सक्राइब जब पूरा हुआ था, तो 100 सब्सक्राइब पूरा होने पे मुझे लगभग 5 से 6 हज़ार या बोल सकते 5K या 6K व्यूज थे उस वक्त पे, और मुझे अर्न कुछ हुआ था $1 या देर मतलब $1.50 कुछ इतना अर्न किया था उस वक्त में, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं, बहुत ही छोटा बात है, वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। हाँ एक बात है, अगर आपका एडसेंस अकाउंट वेरीफाइड है, एड्रेस वेरीफाइड है, तो अगर $10 आपके पास है तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, पर आपका एडसेंस को कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है, आपका एडसेंस अकाउंट को कैंसिल करना पड़ता है, डीएक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद आप वो
एडसेंस खुद ब खुद आपके जो अकाउंट होगा बैंक का उसमें डिपॉजिट कर देगा अगर सेट कर देते हो। ठीक है, ये थे पहली बात। कि सेकंड बात कि आप वेरीफाई कर लेते हो तो $10 होने के बाद आप उसे विड्रॉल कर सकते हो। पर मेरे मानिए आप मत कीजिए ऐसा, डीएक्टिवेट एयर को मत कीजिए आपने एक्सेस को। एक बार वेरीफाई होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो मत कीजिएगा ऐसा। आप 100 होने के बाद आप खुद ब खुद और भी वीडियोज बनाओगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस पर वो बहुत अच्छा होगा एक टाइम पे। थोड़े बहुत पैसे के लिए ये मत कीजिएगा, ठीक है। तो 100 सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपका कुछ अर्निंग नहीं रहता। मैं आपका मेरा जो अर्निंग पिछले महीने का था, उससे पहले महीने का था, मैं सभी शो कर रहा हूँ अभी, आप नीचे देख सकते हैं, पर मैं शो कर रहा हूँ। तो कुछ इतना ही अर्निंग मेरा हुआ है, मैं 2-3 महीने का यहाँ पर शो कर देता हूँ, आप देख पाओगे अभी। और मैं बता देना चाहूँगा कि न्यू यूट्यूबर्स के थोड़ा साथ जो हो रहा है या कुछ मेरे लेवल पे कुछ जो है उसके साथ कुछ हो रहा है कि अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है, मतलब अकाउंट 3 महीने के सस्पेंड कर दिया रहा है, एडसेंस अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, ये क्यों हो रहा है, इसे कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि भाई आपने यूट्यूब चैनल को मेंटेन करना शुरू कर दो, क्योंकि अब गूगल बहुत सख्त हो चुका है, मतलब यूट्यूब बहुत सख्त हो चुका है कि अब सर्च अभी मतलब जितने सारे चैनल्स हैं उसमें कुछ भी अगर छोटे मोटे भी गड़बड़ हुआ या छोटे मोटे भी कुछ गड़बड़ रहा तो मान लो भाई आपका चैनल तो गया डेडलाइन, तो क्या करें। आपने चैनल को मेंटेन करना शुरू कर दिया, आपने एडसेंस अकाउंट को हर दिन देखिए, एक बार करके एटलीस्ट एक बार करके देखिए आपका सीटीआर कितना दूर जा रहा है, 15% से ओवर कितना, 7 दिन के अंदर कितने बजे, 2 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है तो ठीक है, पर 2-3 वो भी ठीक है, अगर 4-5 बार हफ्ते में जाता है, 7 दिन के अंदर जाता है तो ये बुरी बात है। तो यहाँ पर आपको कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप जाके आपने जो वीडियोस में ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, मतलब हर डे सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं जिस वीडियो में, उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दीजिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद ऑन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद ये करता हूँ, बहुत ही आसान सा है, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना पड़ता है, देखिए आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डेस्कटॉप है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर मेरा वो पेज खोल कर रखा है गूगल क्रोम, मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ। सबसे पहले आपको मेंटेन करना पड़ेगा गूगल एडसेंस, आप देख लीजिए हर डे ऐसे गूगल एडसेंस पे आप जाइए, उसके जाने के बाद यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस और रिपोर्ट में आने के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट को देखिए, यहाँ पर जाके अपना क्लिक्स देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक्स क्लिक्स में जाइए, जाने के बाद सीटीआर को आप देख लीजिए आपका सीटीआर कितने हद तक है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर दिखा रहा है कितने सीटीआर कितने हद तक है, और मेरा यहाँ पर 7 दिन का रिपोर्ट कितने बार सीटीआर हाई हुआ है, कितने बार कम हुआ है, कितने बार ठीक ठाक है, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, और डेट भी दिखा रहा है, 1 दिन का अपडेट देता है, मतलब आज का अपडेट आपको नहीं मिला, आज का अपडेट कल मिलेगा, कुछ इस तरह देता है, मतलब पिछले दिन का अपडेट आपको देता है और आज का अपडेट कल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीटीआर देख लीजिए, अगर सीटीआर आपका हाई रहता है, जैसे कि अब कल तो ठीक ठाक था, आज क्या है ये पता नहीं, यहाँ पर दिखाता है पर ये हर टाइम सही नहीं रहता है, सो आप समझ रहे हैं मेरे बात। सो जब भी आपको लगता है सीटीआर ठीक ठाक नहीं जा रहा है, 2-3 दिन से या 1 दिन से नहीं जा रहा है ठीक ठाक पिछले दिन, तो अभी तुरंत तभी जाके अपने यूट्यूब चैनल में आ जाए, आने के बाद अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाइए, जैसे कि मैं जा रहा हूँ मेरे YouTube चैनल ले, ये देख सकते हैं मेरा टेक्निकल वाला जो YouTube चैनल, केरा स्टूडियो में जाने के बाद एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए, एनालिटिक्स एनालिटिक्स के जाने के बाद यहाँ पर रियल टाइम को क्लिक कीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रियल टाइम क्लिक करने के बाद कौन सा वीडियो ज़्यादा चल रहा है तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पर सभी ठीक ठाक है, एकदम से ठीक ठाक है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा व्यू है, यहाँ पर थोड़ा इतने से कुछ नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम जा रहा है, 1 दिन पे आपको 700-800-500 व्यू दे रहा है, 300 व्यू दे रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उस केस में, नहीं तो सब ठीक ठाक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम दिखा रहा है, अगर मैं ऐसे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वीडियो मैनेजर पर जाता हूँ, वीडियो मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है एक टाइम पे, आज भी बहुत ज़्यादा चलता है, एक विंड पाइप का एक वीडियो था, वो लाइफ विंड पाइप का, मैं अपना वो वीडियो निकाल के आपको दिखा देता हूँ।
हाँ ये वीडियो हाउ टू एलएफ विन फाइव लॉलीपॉप टू मार्शमेलो। सो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे, देख सकते हैं कितने ज़्यादा व्यूज़ है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं रोज़ाना, बहुत ही ज़्यादा आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो इसे कैसे, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे इस तरह के इस वीडियो में जाता हूँ, जाने के बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। एक सेकेंड, हाँ मोनेटाइज पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद पूरा बंद नहीं करता हूँ, सिर्फ स्केलेबल एड्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो पूरा बंद भी कर सकते हैं, पर मैं पूरा बंद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ स्केलेबल एड को पूरा बंद करने के बाद यहाँ पर 7 चेंज कर देता हूँ। मेरे केस में सब कुछ ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, सो मैं इसे बंद नहीं करता हूँ, मैं इसे ऑन रखता हूँ और यहाँ पर 7 चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसे बंद कर दीजिएगा अगर आपका सीपीए हाई जाता है, जब भी जाता है तो 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए वो उस वीडियो के, सिर्फ ये वीडियो नहीं, एक वीडियो नहीं, आपके साथ 2-3 जितना भी वीडियो है ज़्यादा आपको ट्रैफिक दे रहा है, तो उस वीडियो को 2 दिन के लिए ऑफ कर दीजिए, उसके बाद इसे सीटीआर अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर से आकर सीटीआर आपको देखेगा, ऐसे वो देखेगा आपको 2-3 दिन ठीक ठाक ही है, तो आप उसे फिर से ऑन कर देना स्केबल एट को, तो फिर से आपका अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, ये था एक अच्छा मेथड, मुझे मेरे ख्याल से ये मेथड मुझे काफ़ी पसंद है और मैं खुद से यूज़ करता हूँ ये मेथड। ठीक है, तो अभी देख चुका है इस तरह कैसे मेंटेन मैंने करता हूँ। मैं ऐसे डेली मेंटेन करता हूँ, जब भी मेरा सीटीआर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके, तो मैं ऐसे करके ठीक ठाक कर लेता हूँ मॉनेटाइजेशन ऑफ करके 2-3 का। तो अब 2 दिन, 1 दिन आप घबराए मत, आपका अर्निंग थोड़ा कम होगा पर आपका चैनल ब्लॉक नहीं होगा। 1-7 दिन अगर 10 दिन या उससे ज्यादा कुछ दिन, 3 महीने 4 महीने जो आपको सस्पेंड ऑर्डर आता है, उससे अच्छा है आप 1-2 दिन अर्निंग बंद रखिए, वो ठीक है। तो अभी चैनल में लगभग 1 लाख के आसपास नहीं, 70,000 के आसपास मेरा व्यू है, 70-75,000 के बस व्यू है, और सबसे लगभग 759 या 58। तो इस वक्त पे मेरा जो अर्निंग मैंने दिखाया है कैसे अर्न हो रहा है, और अप्रैल के महीने में बहुत कम आया था, इतने कम मैं सोचा नहीं था, तो आया है, कुछ नहीं कर सकते। और बड़े यूट्यूबर शायद 1 दिन में इससे डबल, मतलब डबल के डबल कमा लेते हैं 1 दिन पे, और मैं कमाता हूँ कितना तो आपको देख चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं सिर्फ आपको बताना था, आपको कॉन्सेप्ट देना था कि इतना मोटिव था मुझे कि आप लोगों को समझा दूँ। आप अगर यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं या यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके आपका अर्निंग नहीं आ रहा है तो कब आएगा, किस तरह आएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाया कितना आता है ये भी दिखा दिया, और आप मेंटेन कैसे करोगे अपने यूट्यूब चैनल में, सिर्फ इतना दिखाना मेरे इस वीडियो में मोटिव था कि अर्निंग के बारे में बहुत कम बातें करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने सोचा भाई अर्निंग के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं कि सब ठीक है, सस्पेंड ऑर्डर वर्डर जो भी है सब कुछ हम मान लेते, पर अल्टीमेटली एक टाइम पे ऐसा लगता है भाई कुछ तो कमा लेते तो अच्छा होता, सब कुछ करते अपने मन से वो ठीक है, पर थोड़ा तो अर्न चाहिए ना, थोड़ा तो स्पीड चाहिए अर्न, जहाँ कुछ तो आ रहा है भाई, आएगा एक टाइम पे, कम ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, पर आएगा। सो मुझे भी लगता है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको समझा दूँ बस क्या बात है। तो आप समझ चुके हैं मेरे बात, मैं क्या बोलना चाहता था और क्या दिखाना चाहता था। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इस तरह नया वीडियो में, देखिए बहुत अच्छा किया आप देख रहे थे तक बस इस न्यू वीडियो जो कि बहुत देर बाद लाया हूँ, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, हमारे 1 साल पूरे हो चुके हैं जैसे कि पिछले लाइव स्ट्रीम में मैंने बोला था। सो सब गिव अवे जरूर करूंगा 1000 कंप्लीट होने पे, जैसे कि मैंने बोला था 2000 में करूंगा, पर नहीं मैं 1000 पे कर दूंगा गिव अवे सेलिब्रेट, क्योंकि 1 साल मतलब 1 साल तो पूरा हो चुका है, सो इसलिए तो कुछ सेलिब्रेशन बनता है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, जरा बने रहे हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियोस देखते रहे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए, अगर लाइक पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।